देखो, हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर, और एग्जाम्पल है सिंपल मोशन, राइट? कैसे? सपोज करो एक कार है, ये सड़क है, रोड है, एक्स एक्सिस, और सपोज एक गाड़ी यहां से यहां आ गई, ठीक है, एक कार यहां से यहां आ गई, डन हो गया। इस कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर, कितनी देर में? 10 सेकेंड में। 10 मीटर 10 सेकेंड में। तो फिर मैंने पूछा एक स्टूडेंट से कि बता 10 मीटर 10 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी है, बोलो वेलोसिटी कितनी है कार की? 10 मीटर को आपने 10 सेकेंड से क्या किया? तो आंसर क्या आया? 1 मीटर। सही है, सही है, कोई गलती है इसमें? ठीक है। तो एक स्टूडेंट से मैंने पूछा, ठीक है तू घर से आया? उसने कहा हाँ जी। कितनी देर, कितनी दूर से आया? कहता 10 मीटर दूर है मेरा घर, 10 सेकेंड में पहुंचा हूं, तो मेरी कार की वेलोसिटी 1 है। तो मैंने कहा भाई रास्ते में मोड़ नहीं आए, लाइटें नहीं आई, तो कैसे पहुंच गया? तेरी गाड़ी हमेशा क्या 10 मीटर 1 मीटर पर सेकंड से चलती है? कहता नहीं, ब्रेक तो लगी थी। तो फिर तो तेरी वेलोसिटी उस इंस्टेंट पर 0 हो गई, तो कैसे बोल सकता है कि इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है? तो एक काम कर, मुझे डिटेल में बता, मैंने कहा डिटेल में बताओ हुआ क्या था। अब वो स्टूडेंट बताता है, साथ साथ लिख सकते हो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोडक्शन, अभी चैप्टर का नाम नहीं दिया मैंने, बताऊंगा ये चैप्टर का नाम क्या है। देखो इंट्रोडक्शन चल रही है, और जैसे मूवी नहीं स्टार्ट होती स्टारिंग दिस एंड दिस, अभी आएगा चैप्टर का नाम, ठीक? तो बेसिकली हुआ क्या, जब डिटेल में पूछा गया कि बताओ इसके अंदर गाड़ी चली कैसे थी, अब वो डिटेल बताता है, सर ऐसा हुआ था 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर, ठीक है, 2 2 मीटर के हिसाब से गाड़ी चली। पहले 2 मीटर मैंने कवर किए 1 सेकेंड में, फिर मैंने कवर किए 2 सेकेंड में, फिर मैंने कवर किए 3 सेकेंड में, फिर मैंने कवर किए 2 सेकेंड में, कितने सेकेंड हो गए? और आखिरी 2 सेकेंड में। टोटल टाइम कितना हो गया? 10 हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना है? 10। तो मैंने कहा ये गड़बड़ हो गई, यहां पे तेरी वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। यहां वेलोसिटी कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड। यहां कितनी है? 2/3। यहां कितनी है? 2/2। यहां कितनी है? 2/2। यानी कि गड़बड़ है ऊपर। वो कहता हाँ गड़बड़ है। मैंने कहा ना ना, मेरे को तो पूरा शक हो रहा है ज्यादा गड़बड़ है। तू एक काम कर, मुझे और इंटरवल बता, एक्चुअल में और डिटेल बता, तूने गाड़ी चलाई कैसे थी? वो कहता देखो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर कर करके टोटल डिस्टेंस कितना? 10 मीटर। वो कहता पहला जो 1 मीटर है ना, वो 0.5 सेकंड में कवर हुआ। मैंने कहा ठीक। दूसरा 1 मीटर, वो कहता 1.5 सेकंड में कवर हुआ, तो टोटल कितना हो गया? 2 सेकंड। तीसरा 1 मीटर, वो कहता 3 सेकंड में कवर हुआ, 5 सेकंड हो गए। नेक्स्ट 0.5 सेकंड में कवर हुआ, करते करते उसने मेरे को गिना दिया टाइम टेकन कितना है? 10 सेकंड है। तो मैंने कहा डिटेल बता गाड़ी की। वो कहता डिटेल ऐसी है, पहले इंटरवल में स्पीड क्या थी? 1/0.5। दूसरे में कितनी है? 1/1.5। तीसरे में कितनी है? 1/3। नेक्स्ट में कितनी है? 1/0.5। मैंने कहा ये तो कैलकुलेशन उससे भी बुरी निकल आई। देखो बात, असली गाड़ी तो ऐसी चल रही है, पहले वाली तो बस वही बात हो गई कि मैं मैच देखने कहा गया, और किसने पूछा कि मैच कैसा रहा? मैंने कहा बहुत बढ़िया टीम खेली। तो क्या स्कोर है? मैंने कहा स्कोर छोड़, 6 की एवरेज चाहिए बस। तो एक्चुअल में पहली स्टेटमेंट सिर्फ एवरेज के ऊपर काम कर गई, लेकिन रियलिटी में गाड़ी एवरेज पे चलती नहीं है। रियलिटी में कैसे चल रही है? इंटरवल में जब जाके देखा तो हर इंस्टेंट पर गाड़ी की स्पीड डिफरेंट थी, राइट? एग्री करते हो इस चीज से? तो मैंने कहा नहीं, मेरे को अभी भी डाउट हो रहा है, तो एक काम कर तू और डिटेल बता। अब उसने कहा ठीक, और सुनो, 0.5 मीटर 0.5 मीटर 0.5 मीटर 0.5 मीटर 0.5 मीटर, टोटल बन गया 10 मीटर। तो मैंने कहा पहला 0.5 मीटर, कहता 0.3 सेकेंड में, और फिर अगला 0.5 मीटर, वो कहता 0.1 सेकेंड में, पूरे उसे 10 सेकेंड पूरे कर दिए। अब फिर मैं क्या पूछ रहा हूँ, गाड़ी की स्पीड बोल। वो कहता देखो पहला इंटरवल है, उसमें जो स्पीड है वो 0.5/0.3 है, दूसरा 0.5/0.2 है, तीसरा 0.5 इतने। मैंने कहा तो उससे भी बुरा हो गया, ये तो एक्चुअल में स्पीड और भी चेंज होनी स्टार्ट हो गई। बस आप मुझे ये बताओ कौन सच्चा कौन झूठा? देखो सारे सच बोल रहे हैं, ड्राइवर ने पूरी कहानी सुनाई, गलत तो कुछ भी नहीं बोला, ठीक तो सारे बोल रहे हैं। आंसर तो पहला भी ठीक था, आंसर तो ये भी ठीक है, और अब मैं उसे कहूंगा इंटरवल और तोड़। वो कहेगा जी इंटरवल है 0.1 मीटर 0.1 मीटर 0.1 मीटर 0.1 मीटर 0.1 मीटर,
और टाइम फिर 10 सेकंड बता देगा, स्पीड हर इंस्टेंट पर फिर चेंज हो जाएगी। फिर सपोज करो मैंने फिर कहा और डिटेल, अब वो कहता आप सुनो इंटरवल है 0.00001 मीटर, 0.00001 मीटर, 0.00001 मीटर, और 10 मीटर पूरे कर दिए 10 सेकंड, तो स्पीड फिर चेंज हो गई। अब मैंने हटा, मैंने कहा और बता, वो कहता जी काम करो 0 पॉइंट, जितने मन में जीरो आते हैं पूरी जिंदगी लगा दो, एंड में ना मरते हुए ना एक लगा देना, इतना छोटा इंटरवल है बस। देखो लॉजिक है ना, वो भी तो इंटरवल है ना एक, और इतना इंटरवल छोटा कर दो। और टाइम कहता जी वही जीरो बोलते जाओ, मरते हुए एक बोल देना बस, तो हो गया मैं टाइम इंटरवल। अब मैंने कहा उससे छोटा, कहता जी आपसे जो एक आध साल और जी जाएगा ना उसको भी कह देना, उतने जीरो लगा देगा और एंड में वो भी वन बोल देगा। मतलब यार अब मैं सोच रहा हूँ कि ये तो लिमिट ही नहीं है, तो मैं स्पीड एग्जैक्ट निकाल लूंगा कैसे ये तो बताओ, मुझे ये तो बताओ कि एग्जैक्ट स्पीड क्या है गाड़ी की, मैं तो आज तक पता ही लगेगा मरते दम तक कि स्पीड क्या थी गाड़ी की। सही है, ठीक बोल रहा हूँ, देखो लॉजिक है इस बात में कोई, और प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, ठीक। क्योंकि आपकी 9th 10th जो है वो पहले एग्जाम्पल से बाहर आ गई, जो +1 है वो मरते दम तक 0.0001 के ऊपर काम करने वाली है ताकि एग्जैक्ट स्पीड निकाल सकूं। ये एग्जाम्पल मैंने नहीं बनाया, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सबसे पहली जो आई थी वो न्यूटन को आई थी 1670s और 60s के टाइम पे, आप नेट पे पढ़ सकते हैं। ये प्रॉब्लम उसने फेस की थी कि एग्जैक्ट निकालेंगे कैसे स्पीड पता ही नहीं लग रही, तो उसकी फिजिक्स तो रुक गई, जैसे आज अभी आपकी फिजिक्स रुक गई, आगे नहीं बढ़ेगी। तो फिर एक मैथ्स का चैप्टर, मैथ्स की ब्रांच जो इसको सॉल्व कर सकती है विद इन सेकेंड्स, वो हमें पढ़नी पड़ेगी, तब हम एग्जैक्ट स्पीड निकाल सकेंगे, ठीक। तो एक बात तो पक्की है, फिजिक्स अब मोशन में अगर मुझे इस लेवल पे काम करना है, ऊपर नहीं फर्स्ट तो आप करके आए हो, इस लेवल पे अगर काम करना है बहुत डिटेल में, तो उस केस में मैथ की ब्रांच मुझे सीखनी पड़ेगी, तो ही मैं फिजिक्स को समझ पाऊंगा, नहीं तो फिजिक्स मेरे बस की नहीं रहेगी, क्योंकि इस लेवल पे काम तो हो ही नहीं पाएगा। तो मैथ की वो ब्रांच जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, उस ब्रांच का नाम है कैलकुलस। तो हम आज फिजिक्स का लेक्चर क्या करने वाले हैं, बंद, और क्या स्टार्ट करने वाले हैं, मैथ्स। तो मैथ्स की कौन सी ब्रांच, कैलकुलस। तो लिखो, तो पहला टॉपिक आज का कैलकुलस। तो आपको ना पता होना चाहिए जरूरत क्या है, पता लगे मैं आया क्लास में, मैंने कहा चलो राइट कैलकुलस, पहला फॉर्मूला dx/dx=1, आपको कि हुआ क्या है यार, ये पता नहीं क्या करवा दी फिजिक्स। अब जरूरत समझो कि जरूरत हुई क्यों है इसकी, ये तो बहुत दूर की बात है, अभी थोड़ी देर में इसको स्टडी जरूर करेंगे। तो टॉपिक का नाम है कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस एक मैथमेटिकल टूल है, हमारे लिए एक टूल है, टूल समझते हो, मशीन तो फिजिक्स है, पर मशीन चलाने के लिए एक टूल चाहिए जिसका नाम है कैलकुलस, नहीं तो वो चलेगी नहीं। जबकि मैथ वालों का काम तो वो टूल नहीं है, मैथ वालों के लिए वही मशीन है कैलकुलस, वो तो बहुत डिटेल में करवाएंगे। अब कायदे से आप कहोगे तो बड़ी गलत बात है, तो फिर तो मैथ वालों को पहले कैलकुलस करवाना चाहिए, वो तो मैथ्स की कैटेगरी है। हमारा सिस्टम जो एजुकेशन का कुछ ऐसा है कि कैलकुलस को रखा गया +2 के पार्ट में। अब मैं वेट नहीं कर सकता ना, कब मैथ में जाओगे और +2 में होगे, फिर कैलकुलस सीखोगे, फिर मैं कहूँगा चलो जी फिजिक्स की क्लास शुरू होती है। तो मेरी मजबूरी है कि मुझे +2 के मैथ में से कुछ फॉर्मूलाज आपको करवाने पड़ेंगे, मेरे लिए तो वो टूल है, ताकि एटलीस्ट मेरी फिजिक्स की क्लास में अगले 2 साल आपको कोई समस्या ना आए, क्योंकि अगर मैंने अभी ना करवाया तो आप ट्रबल में रहेंगे रहेंगे। तो पहले काम करते हैं, पहले मैथ से शुरू करते हैं। कैलकुलस की दो ब्रांचेस हैं, फर्दर दो ब्रांचेस हैं, कैलकुलस एक बड़ी ब्रांच है जो दो हिस्सों में डिवाइड कर दी गई है। जो पहला हिस्सा है उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और जो दूसरा हिस्सा है उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये सब मैथमेटिकल टूल्स हैं हमारे लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे विद अ टॉपिक जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो
तो आज का टॉपिक डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन मेरी आदत नहीं है कि मैं कहूँ डिफरेंशिएशन और फिर कहूँ चार फॉर्मूले लिख चल मैथ कर काम खत्म कर, नहीं ऐसे नहीं करूँगा। पहले थोड़ा और फिजिक्स के साथ चलते हैं, और मैथ्स वाले तो मैथ कोर मैथ से करवाएंगे, लेकिन मैं फिजिक्स के एग्जाम्पल के साथ कैलकुलस चलाऊंगा जो कि बुक्स में गिवन नहीं है, बुक्स में तो सिर्फ मैथ्स से गिवन है, लेकिन मैं फिजिक्स के अपने एग्जाम्पल के साथ कैलकुलस सिखाऊंगा ताकि आपको ना इंटीग्रेट समझ में आए मैथ्स कैसे कैसे फिजिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ आगे जाएगा। ठीक है यहाँ तक? तो अब आपका लिखने का काम यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले जब हम ये बोलते हैं कि एक कार है, आप लिख सकते हैं इसमें, बना सकते हैं डायग्राम साथ साथ। सपोज ये एक गाड़ी है या ये एक्सिस है, चलो एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे कार चल रही है। आपने नॉर्मली सुना होगा कि ये कार यहाँ पे है और फिर वही कार यहाँ पे आ गई, दिख ही रहा आपको डायग्राम में, एक कार की पोजीशन चेंज हो गई। तो मैंने पूछा कि कार की पोजीशन क्या है, कोई कहता है जी 4 मीटर। मैंने कहा अच्छा 4 मीटर, तो मैंने कहा ठीक है 4 मीटर ओके। यानी कि मैं सोचा मेरी कार ये खड़ी हुई है इस दीवार से 4 मीटर। वो कहता नहीं नहीं इस दीवार से 4 मीटर थोड़ी ना, मेरे घर से 4 मीटर। अच्छा, मैंने कहा तुम्हारे घर खड़ी है कार, तो मतलब मुझे बताना पड़ेगा भाई 4 मीटर कहाँ से। फिजिक्स में बोला जाता है इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट। तो कभी भी फिजिक्स जब स्टार्ट होगी और डिस्प्लेसमेंट्स की बात होगी तो आपको मेंशन करना पड़ेगा क्या, रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट हमारा नॉर्मली क्या रहता है, ओरिजिन। तो आपने सुना होगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो ये ओरिजिन है, इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्लियर है यहां तक? हाँ, अब मैं बोलूं कि मेरे रेफरेंस पॉइंट से 4 मीटर ऑन एक्स एक्सिस, तो बात समझ में आती है कि ओरिजिन से 4 मीटर बोल रहा हूं। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज करो इसकी पोजिशन एक्स एक्सिस से सपोज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वन, हाँ इट मेक्स सेंस कि ओरिजिन से इसकी जो पोजीशन है वो कितनी है, वो एक्स वन कोऑर्डिनेट है। और मेरे हाथ में एक स्टॉप वॉच है, फिजिक्स में स्टॉप वॉच की बहुत ज़रूरत होती है। तो आपने सुना भी होगा 9th-10th में कि टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब आपने जब ये बॉडी चली आपके हाथ में एक स्टॉप वॉच थी, वो 0.00 पे स्टार्ट होती है, आपने स्टार्ट किया, जब स्टार्ट किया तो टाइम की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, सपोज टी वन जीरो भी हो सकता है, बट लेट अस सपोज T1, तो टाइम की वैल्यू कितनी है T1। जब ये बॉडी यहां पे आई तो इसका जो कोऑर्डिनेट है नया, ये जो कोऑर्डिनेट है सपोज कितना हो गया X2, तो घड़ी में टाइम कितना हो गया T2, तो T1 से T2, कोई डाउट इसमें? तो टाइम के पॉइंट समझ में आ गए T1 एंड T2, पोजीशन के कोऑर्डिनेट समझ में आ गए X1 एंड X2। और मैं आपसे ये पूछता हूं बताओ इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो आंसर क्या होगा, X2 माइनस X1। तो मैं लिख देता हूं X2 माइनस X1 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है T2 माइनस इतने समय में कवर हुआ। तो क्या मैं लिख सकता हूं इसकी रेशियो को, क्या नाम दिया मैंने, वेलोसिटी। ये लिखो यहां तक, इसको बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक समझ में आ रहा है? तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो गई, X2 माइनस X1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ठीक है, पर प्रॉब्लम वही है, वही जो भी 0.001 वाली, ये तो ओवरऑल मोटी मोटी वेलोसिटी है, ऊपर ऊपर से बस वेलोसिटी है जी, बस ये वेलोसिटी है जी। वेलोसिटी तो कई तरीके की है ना, एग्जैक्ट वेलोसिटी थोड़ी ना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा ये, पता है कौन सी वेलोसिटी है, ये मेरी एवरेज वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन अगर आप छोटी क्लास में याद करें तो क्या डेफिनेशन थी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ऐसे ही था। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है X2 माइनस X1, टोटल टाइम क्या है T2 माइनस T1। फर्क क्या है, फर्क यह है कि इस क्लास में मैं आपको डेफिनेशन नहीं लिखवा सकता, राइट वेलोसिटी आप लिखोगे सर वेलोसिटी डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, वो नहीं है। अब लैंग्वेज देख रहे हो, मैं क्या बोलूंगा X2 माइनस X1 बाय T2 माइनस T1, लैंग्वेज देख रहे हो, ये लैंग्वेज है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में आ रहे हो, 15 मिनट पहले नहीं आ रहे थे अभी आ रहे हो, समझ में आ रहे है? और आ रहे हो, अब और देखो कैसे आओगे। अब इसको क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट,
और इसको टोटल चेंज इन टाइम, मैं चेंज क्यों बोल रहा हूं, किन्हीं भी दो चीजों के सब्ट्रैक्शन को, डिफरेंस को चेंज बोल सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। चेंज को मैथ्स में और फिजिक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है बाय टर्म डेल्टा, डेल्टा का मतलब चेंज। तो ये किसका डेल्टा है, एक्स का, यहां पे क्या आएगा डेल्टा टी, तो लिखो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो आज के बाद आपकी किताबें एवरेज वेलोसिटी को पता है क्या लिखेंगी, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। कोई डेफिनेशन नहीं कि वो टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम, कुछ नहीं, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। और मन में क्या याद करेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन बाय टी टू माइनस टी वन। कोई डाउट इसमें, क्लियर हो गया यहां तक? अब प्रॉब्लम क्या थी इस पूरे एग्जाम्पल में, एक प्रॉब्लम है कि ये आपको एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू देगी, लेकिन एग्जैक्ट गाड़ी कैसे चली थी उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे 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 इंटरवल देने पड़ेंगे। और कितने छोटे मैंने बताया, जितने आपको खुद भी बता कितने छोटे, तब जाके एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। क्योंकि जितने छोटे इंटरवल लिए जाएंगे आपकी एक्यूरेसी इन कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा पाई जाएगी। आप इंटरवल बढ़ा लेंगे आप एवरेज में काम करेंगे, आप बहुत छोटे छोटे इंटरवल लेंगे आपकी वेलोसिटी एक्यूरेट होती जाएगी, और जितना छोटा इंटरवल उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं बहुत ही छोटे इंटरवल में चला जाऊँ। बहुत छोटा इंटरवल क्या होता है कि जब डेल्टा टी एक या दो सेकंड ना हो, 0.00000000 जितने जीरो लगाने हैं, मतलब जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा चला जाए, तभी जाके वेलोसिटी एवरेज नहीं आएगी, क्या आएगी, एग्जैक्ट वेलोसिटी आएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मैं चाहता हूं कि इंटरवल बहुत छोटे हो जाएं। नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, जो मैं आसान भाषा यूज कर रहा हूं, लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, कि इंटरवल छोटे हो जाएं। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है फिजिक्स वालों का इंटरवल छोटे हो जाए। तो ये देखो मेरी ना दो लैंग्वेजेस इकट्ठी चलेंगी, एक इनफॉर्मल जो मैं बोल रहा हूँ और एक फॉर्मल जो मैं लिख रहा हूँ, मतलब सेम है। समझाने के लिए इनफॉर्मल है, आपको बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन ये टेक्निकल लैंग्वेज है जो चलेगी। अब अगर मैं ये बोलता हूँ कि डेल्टा टी या डेल्टा एक्स मुझे बहुत छोटा चाहिए, बहुत छोटा चाहिए, बहुत छोटा चाहिए, अब कितना छोटा चाहिए जी आपको, वो कहते हैं इससे छोटा हो ही ना, इतना छोटा इंटरवल चाहिए। अब इतना छोटा इंटरवल मैथमेटिकली दुनिया में डिफाइन हो ही नहीं सकता। अभी डिस्कस किया आपने कि 0.00000 बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है, एक और जीरो तो लगानी है, तो उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। पर कहीं तो मुझे रुकना पड़ेगा, तो क्योंकि अगर मैं रुकूंगा नहीं तो मेरी वेलोसिटी की वैल्यू कभी आएगी नहीं। तो अब इस केस में जब मैं ये बोलता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी, ये लिख लेना साथ साथ, कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी है, तो न्यूटन ने क्या किया था, न्यूटन भी फंस गया था, चिंता ना करो जैसे हम फंसे हुए हैं। बस ये है कि मैंने न्यूटन लोगों को बताया, क्या बताया उसने, मतलब आपको मैथ मैं सिखा सकता हूँ, आपके मैथ के टीचर सिखा सकते हैं। न्यूटन तो कोई क्लास में जा नहीं रहा था कि उसको कोई टीचर सिखाएगा कि भाई ऐसे फंस गया आप तो ठीक कर ले इसे। तो न्यूटन ने कैलकुलस बनाया, हम सीख रहे हैं, उसकी मजबूरी देखो, उसको कैलकुलस बनाना पड़ा, खुद उसने मैथ बनाया, तो उसने वेलोसिटीज की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो नाम तो बनता ही है जो उस टाइम, मतलब लोग सीखते हैं और कोई बंदा बनाता है, और वो भी कब, जब कोई हेल्प नहीं थी तब। ठीक, तो क्या बनाया उसने, उसने बेसिकली क्या कहा कि अगर टोटल कोई भी डिस्प्लेसमेंट एक्स है या टोटल चेंज डेल्टा एक्स है, एक्स टू माइनस एक्स वन जैसे गाड़ी का हमने लिया था एग्जाम्पल, पर मेरे को तो एक्यूरेट वेलोसिटी निकालने के लिए इंटरवल बहुत छोटा लेना है, कितना छोटा मुझे खुद नहीं पता, इतना छोटा कि इससे छोटा दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करे। तो उसने कहा ठीक एक फैसला कर लेते हैं, वैल्यू तो वो कहता मैं बता नहीं सकता इसकी कि 0.0000 मैं वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, पर हाँ एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे छोटे चेंज को मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, स्मॉलेस्ट चेंज, ये टोटल चेंज है, बड़ा चेंज है, इससे छोटा चेंज नहीं मिलेगा, इसको रिप्रेजेंट किया गया बाय डीएक्स। उसे डिफाइन किया डेल्टा एक्स इज अ बिग चेंज, डीएक्स इज अ स्मॉल चेंज। जब उससे पूछा कि डीएक्स की वैल्यू कितनी है, कहते वैल्यू ना पूछो, कि वैल्यू तो मरते तक तो बता नहीं पाऊंगा, बट होती होगी कोई डीएक्स की वैल्यू, इससे छोटी एग्जिस्ट नहीं करती, बात खत्म। अब वैल्यू ना बताते हुए इसको यूज कैसे करें वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो उसने कहा डिफाइन करते हैं, इससे छोटा चेंज नहीं आ सकता। तो आप सोचोगे फिर डी क्यों लिया, तो उसने स्मॉलेस्ट चेंज को, स्मॉल चेंज या स्मॉलेस्ट चेंज को नाम दिया डेरिवेटिव,
डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब होता है स्मॉल चेंज या स्मॉलेस्ट चेंज, इससे छोटा एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसने क्या लिया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो जब हम फिजिक्स, जब आम भाषा में ऐसे यूज करते हैं ना, एक्स का सबसे छोटा इंटरवल क्या होगा, एक्स का सबसे छोटा चेंज क्या होगा, इतने शब्द यूज नहीं करने। वो कहता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स बोल दो। डेरिवेटिव ऑफ एक्स का मतलब एक्स का सबसे छोटा चेंज जो एग्जिस्ट करता होगा दुनिया में, बस वो, वैल्यू डिफाइंड नहीं है। इतने भी बड़े शब्द यूज नहीं करने, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, सीधा डीएक्स। डीएक्स का मतलब स्मॉलेस्ट चेंज, खत्म। अब शॉर्ट फॉर्म देख रहे हो कहां से कहानी चल रही है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, स्मॉल चेंज ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डीएक्स। तो आज के बाद हम लैंग्वेज में सीधा क्या यूज करेंगे, डीएक्स, डीवाई, डीटी। टाइम बहुत बड़ा इंटरवल है, मान लो डेल्टा टी टोटल चेंज इन टाइम है, पूरी जर्नी में 4 घंटे लगे, डेल्टा टी 4 घंटे है, पर मेरे को सबसे छोटा चेंज लेना है टाइम का, तो डीटी। डीटी का मतलब स्मॉल डी, कैपिटल डी नहीं, स्मॉल डीटी मींस स्मॉलेस्ट चेंज इन टाइम। वैल्यू ना पूछो, मैं फिर कह रहा हूं, ये मत कहना किसी की वैल्यू भी बताओ, वैल्यू नहीं पता, बस होता होगा कोई डीटी, यूज कैसे करना भी बताऊंगा मैं। यहां तक क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक, डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ठीक है, ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स नहीं है, ये टोटल चेंज है, ये बड़ा चेंज है, ये बड़ा चेंज इन एक्स है, ये बड़ा चेंज इन टाइम है। पर अगर आप सही और एक्यूरेट वेलोसिटी निकालना चाहते हो, तो आपको डेल्टा एक्स का इंटरवल बहुत 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 क्या लेना है, छोटा, जैसे 0.00001। पर इसकी कोई लिमिट तो है नहीं, तो लास्ट वैल्यू क्या एग्जिस्ट करती है फिजिक्स में, डीएक्स। तो हम क्या यूज करेंगे, सबसे छोटा डीएक्स और सबसे छोटा टाइम डीटी, क्योंकि डीएक्स है तो डीटी टाइम है, डेल्टा एक्स है तो डेल्टा टी टाइम है, डीएक्स है तो डीटी टाइम है। क्लियर है यहां तक? ये जो डिवाइड करके आएगी वेलोसिटी, इससे एक्यूरेट वेलोसिटी नहीं हो सकती, क्योंकि इससे छोटा इंटरवल हो नहीं सकता, कोई तोड़ना अलाउड ही नहीं है, क्योंकि कहीं तो रोकना पड़ेगा ना, तो मैथ वालों ने इसको रोक दिया, इससे छोटा चेंज नहीं है, तो इससे नीचे और एक्यूरेट वेलोसिटी आएगी नहीं। इस वेलोसिटी का नाम है, इस वेलोसिटी का नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिखने का तरीका डीएक्स बाय डीटी, एवरेज वेलोसिटी को लिखने का तरीका डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिखने का तरीका डीएक्स बाय डीटी। क्लियर है यहां तक? अब इसकी वैल्यू कैसे, इसको मैथ से, मतलब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, आप सोच रहे हो फिर कार की वेलोसिटी तो बता दो, 2 मीटर पर सेकेंड की, 2.1 मीटर पर सेकेंड की, 3 मीटर, वैल्यू तो बोलो। नहीं, वैल्यू नहीं बोल सकता अभी, उसके लिए यहां रोकना पड़ेगा। इस कैलकुलेशन के लिए आपको स्पेशल मैथ चाहिए, जिसको बोलते हैं कैलकुलस। मैथ में कैलकुलस इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है इजीली। तो अब हमें एग्जैक्ट अगर वेलोसिटी निकालनी है, तो हमें क्या सीखना पड़ेगा, मैथ का कैलकुलस, स्पेशली डिफ्रेंसिएशन, पहले वो सिखाई जाएगी, फिर आपकी वैल्यू आएगी कौन सी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तब तक फिजिक्स स्टॉप, रुक गई। तो अब हम क्या शुरू करेंगे, मैथ्स का पार्ट, डीएक्स बाई डीटी कैसे सॉल्व करते हैं, वो सॉल्व करने के बाद वेलोसिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या सीक्वेंस चल रहा है मैथ्स का और फिजिक्स का? ठीक है यहां तक? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिखने का तरीका डीएक्स बाई डीटी, एवरेज वेलोसिटी में तो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो आपको पता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी या एक्स टू माइनस एक्स वन टी टू माइनस टी वन, बात ही खत्म है। मेन बात है इसको कैसे सॉल्व करना है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक रोक लेते हैं। अब एक और चीज समझते हैं, मैंने आपको ये कहा एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, सही है, ऐसे बोला, और मुझे क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब एग्जैक्ट उस इंस्टेंट पे कितनी है। तो उसके लिए डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी की जगह मैंने क्या लिखा, डीएक्स बाय डीटी। और लॉजिक क्या था, लॉजिक ये था कि अगर डेल्टा टी बहुत बहुत छोटा हो जाए, तो अगर डेल्टा टी बहुत बहुत छोटा हो जाए, इतना छोटा इससे छोटा हो नहीं सकता, तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा, इट बिकम्स डीटी। डेल्टा टी बहुत बड़ा इंटरवल, डीटी स्मॉलेस्ट इंटरवल है, राइट, क्लियर है यहां तक? डेल्टा टी छोटा हो जाए, इसका मतलब होता है मैथ्स में अप्रोचिंग टू जीरो, एरो है, इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू मतलब बिल्कुल खत्म ही कर दो कहानी, बस सीधा बोल दो मैंने फिजिक्स पढ़नी नहीं है। डेल्टा टी का मतलब, जीरो का मतलब तो यही है, अप्रोचेस टू जीरो का मतलब क्या होता है, पॉइंट 0000000, बोलते रहो जीरो, एंड में मन लगा देना, इसका मतलब ये, क्योंकि आप इसको वैल्यू डिफाइन तो कर नहीं पाओगे,
जितनी छोटा इंटरवल है वो जीरो को अप्रोच करना शुरू कर देगा। तो मैथ्स में लिखा जाता है व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू, इसको बोलते हैं अप्रोचेस टू जीरो, इट बिकम्स डी टी। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, अगर ये आपकी एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन है और आप यहाँ पे एक मैथ्स में चैप्टर आएगा लिमिट्स, लिमिट्स, लिमिट का मतलब डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, ये लिखना होता है। मतलब कि अगर आप एवरेज वेलोसिटी में डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दो तो डेल्टा एक्स भी बहुत छोटा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा टी आपने इंटरवल छोटा लिया तो डेल्टा एक्स भी छोटा हो जाएगा, टाइम छोटा है तो डिस्टेंस भी छोटा है, सिंपल है। तो यानी कि अगर आप ये लिख देते हो लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, तो ऑब्वियसली डेल्टा टी ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, डी टी, और डेल्टा एक्स ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, डी एक्स। इसको कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं? तो बुक्स या ऐसे लिखेंगी या ऐसे लिखेंगी, बात एक ही है। मैंने आपको ऐसे नहीं लिखना सिखाया, मैंने आपको एक लाइन में डी एक्स पे डी टी लिखना सिखाया, ऐसे सिखाया, लेकिन एक्चुअल में मैथमेटिकल ये भी डेफिनेशन है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये डेफिनेशन हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लिमिट्स हमारे सिलेबस में नहीं है, प्लस वन में ना, प्लस टू में, मुझे लिमिट्स चाहिए नहीं। मैंने इसलिए बताई, बहुत सारे बच्चे जो है बुक्स भी पढ़ेंगे, देखो कभी ना किताब तो पढ़ोगे ही, और हर ऑथर अपनी रिप्रेजेंटेशन, देखो ये छोटी क्लास नहीं है कि एक ही रिप्रेजेंटेशन एक ही डेफिनेशन चलती है, यहाँ पढ़ाने का तरीका ही डिफरेंट है हर बंदे का, मेरा भी डिफरेंट है, आप कहीं और फिजिक्स पढ़ने जाएंगे वहाँ भी डिफरेंट है, सेम चीज़ कैलकुलस करवाएंगे अलग तरीके से करवाएंगे, हर का स्टाइल है, कोई कैसे सोच पाता है और कैसे रिलेट कर पाता है और स्टूडेंट की सोच पे उतर के उसको कैसे समझा जाता है, बस यही कला है, ठीक। तो ये डेफिनेशन और इसमें कोई फर्क नहीं, तो आज के बाद हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन कई बुक्स ऐसी हैं जो हो सकता है आपको ऐसा लिख के दिखाएं और आपको कॉन्फिडेंस लो ना हो कि यार हमें तो लिमिट बताई नहीं लिमिट क्या होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि लिमिट लगने का मतलब बड़े चेंज को छोटे चेंज में कन्वर्ट करना, बस ये इसका मतलब है, और जब बहुत छोटा चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, डी एक्स बाय टी टी। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? तो आज के बाद मैं ये नहीं फॉलो करूंगा, मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सीधा ये लिखूंगा, बात ही खत्म हो गई, ठीक है यहां तक? ये समझ में आ रहा है? ठीक। अब यहां पर हम रोक रहे हैं फिजिक्स, अभी बता दिया था मैंने, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसकी क्या कहानी है, इसको जरा ठीक करें, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स करते कैसे हैं और एक्चुअल में गाड़ी की स्पीड किसी भी इंस्टेंट पर कैसे निकाली जा सकती है, और एग्जैक्ट तुक्का नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट स्पीड निकलेगी, जिस वक्त कहोगे उसी स्पीड निकाल, वही स्पीड निकाल देंगे, इतना मैथ्स में दम है। तो जो प्रॉब्लम शुरू की थी आज हमने, उसका सोल्यूशन तो आज निकाल ही दूंगा, पर आपको क्या आना चाहिए, डिफ्रेंसिएशन, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, तो यहां पे लिखते हैं टॉपिक का नाम डिफरेंशिएशन। तो कैलकुलस की सब ब्रांच है डिफरेंशिएशन, ठीक, डिफरेंशिएशन। देखो मैंने क्या बोला, कोई देखो अंग्रेज नाम रखेगा ना, मतलब ही नहीं है कि कुछ भी रख देगा, के से नाम निकला था, डी से निकला था, कुछ भी रख दो, ऐसा तो हो नहीं सकता। डिफरेंशिएशन है तो कुछ मतलब होगा उस डिफरेंशिएशन का, तभी वो नाम डिफरेंशिएशन है। तो पहले डिफरेंशिएशन का मतलब समझते हैं कि नाम कहां से आया, और डिफरेंशिएशन होती क्या है, दोनों चीजों का आंसर एक ही है। डिफरेंशिएशन का मतलब है टू फाइंड रेट ऑफ चेंज लिख दो, टू फाइंड रेट ऑफ चेंज। अब ये रेट ऑफ चेंज क्या होता है, इसको समझते हैं, ठीक। टू फाइंड रेट ऑफ चेंज, ठीक। जैसे अगर मैं ऐसा लिखता हूं डी एक्स का मतलब क्या है, स्मॉल चेंज इन एक्स या डेरिवेटिव ऑफ एक्स डी एक्स, और मैं इसको डिवाइड करता हूं बाय डी टी यानी कि स्मॉल चेंज इन टाइम, ठीक। तो मैं क्या निकाल रहा हूं, इसको समझो, मैं ये निकाल रहा हूं कि कोई बॉडी स्मॉल चेंज कवर कर रही है डी एक्स कवरिंग इन टाइम स्मॉल डी टी, इसका मतलब यही हुआ। मैथ वाले या फिजिक्स वाले एक्चुअल में ऐसा बोलते नहीं है, इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, मैं इसमें निकाल रहा हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स
विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम। देखो ध्यान से प्रोनाउंसिएशन देखना, कई लोग बोलते हैं कि रेट का मतलब क्या, मतलब रेट मींस क्या, रेट समझते हो, जैसे वॉल्यूम, एक लिक्विड का वॉल्यूम 4 लीटर है पर सेकेंड, हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। रेट मतलब कितना पानी निकल रहा है, कितने समय में निकल रहा है। तो दो फैक्टर इन्वॉल्व हैं, कितने समय में कितना वॉल्यूम है, रेशियो है वॉल्यूम अपॉन टाइम का, मैथ्स में यूज करते आए हो। अच्छा, हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलो क्या, वेलोसिटी, डेफिनेशन पड़ी हुई है ना। तो क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यही तो है कि बस ये स्मॉल है, आपने ऐसे पढ़ा हुआ है एक्स अपॉन टी रेशियो निकाल लो जी, बस एक्स बाय टी वी होती है, आपने ये नहीं पढ़ा हुआ कि रे, आप बोलते हो एक्स बाय टी वी होता है जी, अब नहीं रहेगा, अब तो बहुत डीप में चले गए आप, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, कितनी बॉडी ने एक्स की वैल्यू कवर की कितने समय में, उस डेफिनेशन को, उस रेशियो को रेट बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? पर क्योंकि हम चीज़ों को बहुत छोटे इंटरवल्स पे कर रहे हैं तो इसमें क्या लिखेंगे, दिस इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, देखो डी फॉर डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का मतलब कोई वेरिएबल थोड़ी ना, डेरिवेटिव तो स्मॉल चेंज को बोलते हैं, तो डेरिवेटिव कुछ नहीं है, स्मॉल चेंज इन एक्स है, तो डेरिवेटिव तो एक चीज बता रहा है कि भाई एक्स छोटा है, तो चेंज क्या हो रहा है, एक्स, वेरिएबल कौन है, एक्स, चाहे बड़ा चाहे छोटा, चाहे एक्स बड़ा हो डेल्टा टी डेल्टा एक्स हो, चाहे छोटा हो डी एक्स हो, लेकिन चेंज कौन हो रहा है, एक्स, और डिनोमिनेटर में चेंज क्या हो रहा है, टाइम, डी टी नहीं, डी तो स्मॉल है, डी स्टैंड फॉर स्मॉल, चेंज क्या हो रहा है, एक्स, कितने समय में, टी समय में। तो क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इसके बोलने का तरीका है, ठीक है। तो आज के बाद अगर मैं ये बोलूं कि चलो एक लिख के दिखाओ, सपोज मैंने एक स्टूडेंट को बोला लिख के दिखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम, तो क्या लिखेगा, डी वॉल्यूम, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू डी, ऐसा नहीं बोलना स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम, ना ना ना, बोलने का तरीका, हम क्या चीज चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी नहीं बोलना, स्मॉल स्मॉल नहीं बोलना, वो फिजिक्स और मैथ वालों को दिख रहा है तुमने डी लगाया, वो स्मॉल में चल रहा है, ठीक, वो सबको दिख रहा है, बोलना नहीं है, ये वेरिएबल्स काम के, क्या बोलना और लिखना आ गया यहाँ पे। तो आज के बाद अगर मैं लिखूंगा dx by dt तो आप क्या बोलेंगे, मैंने क्या निकाला, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक हो गया। बहुत बड़ा है यार, हर क्लास में 2 साल कैसे बोलोगे, छोटा करो, रेट ऑफ चेंज ऑफ x को क्या नाम दिया था न्यूटन ने, तो शॉर्ट लिखो ना, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी लिखने का सेम तरीका, dx by dt। तो इसको या तो बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स रिस्पेक्ट टू टाइम, या बोलो डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन का एक्चुअल मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज, एक ही बात है। तो ये लिख लिया या ये लिख लिया, बात एक ही है, लिख लो साथ साथ, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स या रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स एक ही बात है। आपकी बुक्स बहुत सारे टीचर्स ऐसे कैलकुलस नहीं करवाते, कम करवाते हैं, मैं फिजिक्स मिक्स करके करवा रहा हूं, नहीं तो लेक्चर बहुत बोर हो जाएगा। आई स्टार्ट विद राइट dx by dt, राइट नेक्स्ट फॉर्मूला, अब होगी यार ये क्या हो रहा है, ये कैसी फिजिक्स है, बड़ी बोर है फिजिक्स, मैं सोचता हूँ मैं कमर्स ही ले लूँ यार। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत लोगों की समस्या है, पहला पिच, पहला लेक्चर बहुत लोगों के मन में ऐसा कर देता है कि यार मुझे लग रहा है कि यार मैं ठीक नहीं हूँ यहाँ के लिए। वो भाई वो डिलीवरी ऑफ लेक्चर पर डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से वो स्टार्टिंग की है। कई लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर शुरू करते हैं, उससे तो वो तो बहुत ही बोर है, वो तो बिल्कुल रट्टे वाला चैप्टर है, तो आपको मज़ा नहीं आएगा, इसमें कम से कम आपको मज़ा आएगा। तो हम ये इंटरेस्टिंग चैप्टर करेंगे, फिर बीच बीच में ना फिट इन कर देंगे कुछ बोर टॉपिक्स भी, तो होते हैं हर सब्जेक्ट में होता है, ये ना सोचो कि बस मैं अपने सब्जेक्ट को, ऐसा नहीं है, हमारा सब्जेक्ट बहुत ज़बरदस्त है जब तक मैं कर रहा हूँ, ठीक। जब तक मैं करूँगा आपको ठीक लगेगा, आपको गल है फिजिक्स तो है ही कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही बोलते थे नॉन मेडिकल मुश्किल है, वो तो जब मोशन की शीट्स आएंगी आप कहोगे यार मुझे लग रहा है मेरा आंसर निकल सा नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि अभी भी टाइम है कॉमर्स में जाएँ कि ना जाएँ,
तो आप नॉर्मल हैं, घबराए ना बिल्कुल भी, कि सबके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, न्यूमेरिकल मेरे भी नहीं कभी बात सॉल्व होते, मैं भी गलती कर सकता हूँ। इसका एक ही काम है पूछना, टीचर से पूछना, भाई बताना, देखना कहाँ गलती की। गलतियाँ कर करके सीख सीख के, कर करके सीख सीख के 6 महीने के बाद आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद चीज़ों को समझ पाएंगे। याद रखना है ये बात, अक्टूबर नवंबर तक एकदम ट्रेन हो जाएंगे, पेशेंस रखनी पड़ती है। ठीक, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, वो ये लिखना आ गया, बोलना भी आ गया, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स रिस्पेक्ट टू टी। अब जैसे सपोज करो, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, उससे और क्लैरिटी हो जाएगी। ये मान लो एक एक बाल्टी है और एक टैप है मेरा, और यहाँ पे पानी गिर रहा है, ठीक है। वॉल्यूम V1 था पहले, फिर वॉल्यूम थोड़ी देर में V2 हो गया। जब वॉल्यूम V1 था, टाइम T1 से V2 में टाइम कितना हो गया? T2 हो गया। तो मैंने किसी के पूछा कि भाई बता वॉल्यूम अपॉन टाइम की वैल्यू कितनी है पूरे इंटरवल की। उसने कहा जी चेंज इन वॉल्यूम तो इतना है, चेंज इन टाइम इतना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा क्या निकाला है तूने? वो कहता देखो मैंने निकाला वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, ऐसे ना, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। तो इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा वी बाय, उसे टोटल बाय टोटल की बात की ना, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। मुझे यहाँ पर एक वर्ड लगाना पड़ेगा। अब आपको ये समझ में आ रहा है, एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी फिजिक्स की किताब में डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी देखोगे, डेल्टा बाय डेल्टा देखोगे, देख लेना ध्यान से, वो एवरेज वर्ड जरूर लगाएगा, क्योंकि टोटल बाय टोटल है। और अगर मैं ये कहूँ कि बाल्टी तो हर इंस्टेंट पर वॉल्यूम चेंज कर रही है, कभी नलके से पानी तेज आ रहा है, कभी स्लो आ रहा है, कभी 1 सेकंड में 3 लीटर पानी गिर गया, कभी 2.5 लीटर, अब नलके का प्रेशर तो पीछे चेंज हो सकता है, तो फिर मैं क्या निकालूंगा? इंस्टेंटेनियस वॉल्यूम फ्लोइंग पर क्या लिखेंगे? dV बाय, भाषा समझ में आ रही है कुछ कुछ? ठीक, लैंग्वेज समझ में आ रही है कि कैसे कैच करना है इसे? ठीक, यहां तक। जैसे सपोज इमेजिन करो किसी गाड़ी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, 9th में पढ़ के आए हैं, बस इतना ही पढ़ के आए हैं, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसमें एक्सीलरेशन है, बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन है, कम हो रही है तो रिटार्डेशन है, ये पढ़ के आए हैं। तो मैंने पूछा चल ठीक है यार, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी की वैल्यू लेट अस सपोज V1 थी जब टाइम T1 था, वेलोसिटी V2 होगी जब टाइम T2 हो गया, चल बता दे एक्सीलरेशन कितनी है। तो बोला कि चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम इज एक्सीलरेशन। फिर प्रॉब्लम है, मैं घर से चला, मेरी वेलोसिटी गाड़ी की 2 मीटर पर सेकेंड, मैं दिल्ली पहुंच गया, ब्रेक ब्रूक छोड़ो, दिल्ली पहुंचते ही मेरी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, 0 से 60 कर दी, तो एक्सीलरेशन कैसे निकलेगी? निकल नहीं सकती, 10 बार तो रुका हूँ, एक्सीलरेशन 0 भी हुई होगी। तो एक्चुअल में डेल्टा वी बाय डेल्टा टी इज, तो आप जो 9th कर आए हो ना, वो पूरी गेम ही आप सिर्फ एवरेज पे करके आए हो, आपने तो कुछ किया ही नहीं। आपने कहा कि ये मेरी फाइनल वेलोसिटी, ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी, ये मेरा टोटल टाइम, ये मेरा टोटल टाइम, तो ये मेरी एक्सेलरेशन। तो फिर आपने कहा वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन बन जाती है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बन रही है ना? तो आपने ये किया है, तो जो इक्वेशन है ना वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, जो एक्सेलरेशन का यही फॉर्मूला आएगा, तो वो एवरेज है। तो एक्चुअल में 9th क्लास में फर्क नहीं पड़ता, 9th क्लास में तो एक बार गाड़ी चल गई ना, एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो पूरे क्वेश्चन के अंदर ही 2 मीटर पर सेकंड, चेंज करती नहीं है कभी भी, पर यहाँ गाड़ी चेंज करेगी, ये फर्क है, समझ में आ रहा है? इसलिए हम किस में काम करेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्स बाय एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन, तो क्या लिखेंगे? डीवी बाय, तो देखो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला आ गया डीवी बाय डीटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? इंस्टेंटेनियस dx बाय, ये फिजिक्स ऐसी लैंग्वेज यूज करने वाली है पूरा साल, लैंग्वेज देख रहे हो? तो मैं ये नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा फाइंड एक्सेलरेशन, आप ये थोड़ा ना कहोगे सर u क्या है, v क्या है, आप कहोगे सर a इज इक्वल टू dv बाय dt। अब आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, आज जाते जाते आपको पता लग जाएगा, आंसर मिलेगा आपको, जो हाँ वो क्वेश्चन फंसा हुआ है ना, ये भी आंसर मिलेगा आपको क्या करना है। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है? हम काम इंस्टेंटेनियस में करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी,
इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन, इसमें करेंगे, सही है, विदाउट इसमें। ठीक, बहुत कंफ्यूजन है ना, पेशेंस रखना, बहुत देर तक डिस्कशन चलती है घरों में, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, महीना डेढ़ महीना दिसंबर, ओह मैं समझ सकता हूँ, सही बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा, नहीं ठीक है, बहुत लोगों के घर में चलती है, ठीक। स्टूडेंट कौन कामयाब है? स्टूडेंट सिंपल वो कामयाब है जो बात को समझे, उसको घर जाके प्रैक्टिस करे, नई नई सिचुएशन में लगा के देखे, और दिक्कत हो वो टीचर से पूछे, और उसको छोड़े ना जब तक उसकी बात उसको समझ में आना जाए, सिंपल है, ये राउंड है। ठीक, टीचर कौन कामयाब है? जिसके पास नॉलेज हो, जिसको भी बात समझाने का तरीका हो, और जिसके पास सही स्टूडेंट हो जो इस बात को समझ जाए, ये डेडली कॉम्बिनेशन है, बस और कुछ नहीं चाहिए। ठीक, तो मेरे को फिजिक्स आती है और मैं उसको इजी आसान भाषा में, इससे आसान नहीं सिंपल मैं वर्ड्स को यूज़ कर सकता, इससे आसान लैंग्वेज से, मतलब इजी से इजी लैंग्वेज में समझाना, और बहुत मुश्किल चीज़ को ऐसे समझाना है कि अरे ये तो कुछ था ही नहीं, मैंने आपको क्या बोला, जब तक मैं बोलूँगा आपको कि बस ये था, तो फिर जब आप करोगे आपको आपका माइंडसेट ऐसे करना ताकि आपका ब्रेन भी बहुत सिंपल तरीके से सोचे, कॉम्प्लेक्स सोचेगा न्यूमेरिकल नहीं होगा, बेसिक बेसिक स्ट्रॉन्ग बोलते हैं ना, बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बेसिक यही है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप ये नहीं पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है आपको फिजिक्स नहीं आएगी, आप एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसकी एक्सप्लेनेशन मेरे से आपने पूछनी है, चाहे क्लास के बाद, फर्स्ट हाफ में मैंने बोला मैं अवेलेबल रहूँगा, तो जहाँ आपको जो भी असाइनमेंट या जो भी टॉपिक आपको मुश्किल लगेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा, असाइनमेंट्स ऐसी आएंगी, वो असाइनमेंट्स जो होंगी उससे पहले मैं आपको अनाउंस कर दूंगा कि ये लेक्चर ऐसा है, ये असाइनमेंट भी ऐसी है, तो आपसे अगर हो या ना हो आप अपने आप को कोसे मत, आप नॉर्मल हैं, पहाड़ की अगर ऊंचाई इतनी है तो ऊंचाई की प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम थोड़ी ना है, तो भाई वो तो चढ़ना ही पड़ेगा, तो अब बता दूंगा कि इस असाइनमेंट में ऐसी फीलिंग भी बताऊंगा, ऐसी फीलिंग आएगी आपको, हो सकता है ना भी आए, पर अगर ऐसी आए तो आप मेरे पास दिन में आ सकते हैं, मैं वो ठीक कर दूंगा, ठीक है, अभी अभी तो नॉर्मल चलेगा, अभी आप रिलैक्स करो, अभी कुछ नहीं है, अभी आप इंजॉय करो, खेलो कूदो, ठीक है, जब मैं बताऊंगा आपको जब ऐसा होगा, अभी सब ठीक चलेगा, क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट, फिजिक्स रोक लो, खत्म है, बस फिजिक्स में इतना ही था बताने के लिए, अब चलते हैं कि जो dx बाई dt करके छोड़ दिया उसका करना क्या है आगे। अब मैं लोगों को ये बोले घर जाके क्या सीख के आए, वेलोसिटी निकालनी आ गई कार की, तो पापा भी पूछेंगे अच्छा पता कैसे निकाली तूने, क्या सीखा, कुछ नहीं जी dx बाई dt, वो कि ये क्या चीज़ ले आया, तो वैल्यू क्या है ये बता, वो तो वैल्यू नहीं पता, तो गाड़ी कैसे चलेगी, नहीं चल पाएगी, तो अब हम मैथ्स करते हैं जिससे कि गाड़ी की वैल्यू भी निकलेगी, कैसे, तो लिखें डिफ्रेंसिएशन का पहला फॉर्मूला, हेडिंग डाल लें फॉर्मूलाज ऑफ डिफ्रेंसिएशन, पहला फॉर्मूला। अब देखो, अब ये मैथ्स है, प्लीज इसमें फिजिक्स का कोई रोल नहीं है, मेरा काम खत्म, मैथ मेरे अंदर से मैथ का टीचर बाहर आ रहा है, तो पहला फॉर्मूला dx by dx, ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है, एक सेकेंड प्लीज, dx by dx क्या आंसर होगा, वन, जब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर सेम हो तो आंसर वन, तो पहला फॉर्मूला इक्वल टू वन। सिमिलरली एग्जाम्पल, अगर dy by dy आ जाए, यानी कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y, तो आंसर इज वन, dz by dz इक्वल टू वन, ठीक है, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया जैसे dx by dt को क्या प्रोनाउंस करते हैं, dx by dt का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, या फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी ही बोलना है, डेरिवेटिव टी नहीं बोलना, ये स्टाइल है बोलने का,
डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, एक ही बात है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, ऐसे भी बोलते हैं, और छोटा डेरिवेटिव ले रहे हैं, इससे छोटा नहीं है कोई वर्ड, या डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो सारी लैंग्वेजेस एक ही बात बता रही हैं। फॉर्मूला क्लियर है पहला, ठीक हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला, डिफरेंसिएशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कुछ भी एक्स, कुछ भी हो, बोलो क्या होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, कॉन्स्टेंट का मतलब कोई ऐसी टर्म जो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करेगी, अगर टू है तो टू रहेगी। आगे क्या लग गया, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब स्मॉल चेंज, तो बोलो टू कॉन्स्टेंट में स्मॉल चेंज कितना होगा। अब कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, तो एक तरफ कह रहे हैं कॉन्स्टेंट है, एक तरफ कह रहे हैं उसका चेंज, ये तो गलत बात होगी ना, तो कोई चेंज नहीं होगा, मानते हो कॉन्स्टेंट में कोई चेंज हो नहीं सकता, तो आंसर इज जीरो, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता, क्योंकि कॉन्स्टेंट में कोई चेंज होता ही नहीं। तो अगला फॉर्मूला क्लियर है, तो जैसे एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स आएंगे, डी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सीधा देखते ही क्या जीरो, नंबर है ना, तो सीधा जीरो। जैसे डेरिवेटिव ऑफ फाइव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू जीरो, डेरिवेटिव ऑफ सेवन विद रिस्पेक्ट टू जेड इक्वल टू, नीचे कुछ भी हो अगर ऊपर कॉन्स्टेंट है तो आंसर जीरो ही होगा, कोई डाउट। जैसे एग्जाम्पल और लिख लो, डेरिवेटिव ऑफ पाई 3 पॉइंट, वही जो वैल्यू होती है मैथ्स की, आंसर इज जीरो। डेरिवेटिव ऑफ ई, मैथ्स में मैथ्स के टीचर सिखाएंगे ई एक नंबर है मैथ्स में, जैसे पाई एक नंबर है, ई भी नंबर है, इसकी वैल्यू 2.71 फिक्स्ड है, तो ई देखते ही एक्सपोनेंशियल बोलते हैं ऐसे ई, तो इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, तो आंसर इज अगेन जीरो, लिख लो, तो जहां पे दिख जाए वहां जीरो कर देना। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, पीछे क्लियर है, ठीक है सबको, ठीक ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फॉर्मूला, देखो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले अब किसी लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है, ठीक है सिर्फ देखना है, फिर मैं आपको लिखने का पूरा मौका दूंगा और फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होंगे। तो इसको पावर रूल बोलते हैं, पावर रूल, कैसे, एग्जाम्पल है डी बाई डी एक्स ऑफ, सपोज क्वेश्चन है एक्स रेज टू पावर 4, मान लो ये क्वेश्चन आ गया। रूल नंबर 1, जब डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स की पावर 4 है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहली चीज माइंड में ये आती है कि मैं एक्स से एक्स काट दूं तो ये 3 बच जाएगा, तो मतलब अगर आप ऐसा कर देते हैं तो प्लीज ये मत कहना कि हम फिजिक्स मेरे पास पढ़ते हो, ये मत कहना, मुझे पता नहीं कहाँ पढ़ते हो, मैंने नहीं पढ़ाई, ठीक है, तो ये काटना नहीं है। पहला क्वेश्चन टीचर ये पूछेगा स्कूल जाके, पढ़ के कहाँ से है पहले ये बता दो, तो कैसे सिखाया ये, नहीं काटना, ठीक है। दूसरा, कोई स्टूडेंट जल्दी में डी से डी भी काट देगा, फिर भी मैंने नहीं पढ़ाई मैं डी नहीं पढ़ाता ऐसे, तो गलत है ये भी, नहीं करना, ये समझ में आ रहा है यहाँ तक। ये इतनी मतलब ऐसी मिस्टेक है जो हो जाती है फ्लो में, एक्स से एक्स काटना तो बंदा एलजेब्रा के चक्कर में फ्लो में काट ही आएगा और पता ही नहीं वो काटा है, वो नहीं काटना, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो क्या करना है, पावर रूल बोलते हैं, ऐसे पावर रूल लगेगा, देखो क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 4, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, करना कैसे ध्यान से देखना। सबसे पहले x की पावर कितनी है ये देखो, देखना पहले है ना, x की पावर क्या है 4, जो भी x की पावर है उसको एज इट इज लिख लो, कुछ नहीं करना, लिख लिया x की पावर कितनी है 4, तो x की पावर जितनी भी है उसमें से 1 सबट्रैक्ट कर दो, 1 ही करना है, यही रूल है। तो अगर पावर 4 है तो 4 माइनस 1, अगर पावर 5 है तो 5 माइनस 1, लिख लिया। लास्ट स्टेप ध्यान से देखना, अपने मन में पावर पे यहाँ पे हाथ रख लें 2 मिनट के लिए, सोचें है ही नहीं पावर, तो क्या दिख रहा है आपको, dx by dx, पावर अगर ना होती तो dx by dx, तो जो भी आपको दिख रहा है एंड में उस टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, अगर 4 पे हाथ रखेंगे तो dx by dx मल्टीप्लाई कर दें, जो कि क्या होता है 1, वो अलग बात है कि ये वैल्यू 1 है, तो आंसर क्या आएगा 4x3 इज द आंसर, ये आंसर है। फिर देखें एग्जाम्पल d by dx of x raised to power 6, पावर नीचे, x की पावर जितनी भी है उसमें से 1 माइनस, 6 पे हाथ रखें
तो क्या दिख रहा है, dx by dx, तो dx by dx फर्दर मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन के अंदर डिफ्रेंसिएशन का आना, चेन रूल। ठीक, नाम देने की जरूरत नहीं है, वो वैल्यू ज्यादातर वन ही रहती है। तो आंसर 6x^5। क्या ये स्टेप क्लियर है? अब लिख सकते हैं, मैं और क्वेश्चन इसकी पहले प्रैक्टिस करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, इसके 5-7 न्यूमेरिकल करेंगे, आपके हाथ से होने चाहिए, फिर आगे चलेंगे। देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, ठीक है यहाँ तक? ठीक है, अब एक बार इस क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन मैं और करके दिखाता हूँ, फिर आपने कर मुझे करके दिखाने हैं कुछ क्वेश्चन, ताकि आपसे पावर रूल एटलीस्ट लग जाए। सबसे इंपॉर्टेंट पावर रूल है, इसका फ्लो तो एकदम फास्ट होना चाहिए। हम कम से कम 50 न्यूमेरिकल करेंगे पावर रूल पे, शायद 100 ही ना कर दें, ताकि पावर रूल तो 2 साल यूज होना है, आपको सोचना ना पड़े, बस फटाफट आंसर आ जाए। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल से पहले इसका एक्चुअल फॉर्मूला सुन लो क्या है, क्योंकि नॉर्मली मैथ्स में पहले फॉर्मूला फिर एग्जाम्पल है, उल्टा मैंने एग्जाम्पल पहले ही करवा दिया, फॉर्मूला को याद करने की जरूरत थोड़ी ना। फॉर्मूला ये है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज ऑलवेज इक्वल टू एन पावर नीचे एक्स की पावर एक कम इन टू डी एक्स बाई डी एक्स। पर मेरे को लगता है फॉर्मूला याद करके करोगे क्या, रट्टे ही मारने हैं, जरूरत क्या है, बस हो गया ऐसे ही। ठीक है यहाँ तक? तो अब एग्जाम्पल्स शुरू करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ जो आपने करने हैं एक्स की पावर 9, डी बाई ये आपने करने हैं डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x² करें स्टार्ट। ठीक, फर्स्ट से स्टार्ट करें, फिर सेकंड करें, फिर थर्ड करें। तो पहला आंसर साथ साथ चेक करें क्या आएगा, 9x8 पावर नीचे एक पावर कम, मन में सोच लो -1 क्या पता है, 9 - 1 8 है, इन टू 9 पे हाथ रखेंगे तो क्या आएगा, dx बाई डी एक्स, वो लोग मन में ही 1 कर देते हैं, मैं देख रहा हूँ कॉपी लोगों की, तो 9 × x^8 इज द आंसर। राइट, क्लियर है सबका आ गया? ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है डी बाई डी एक्स ऑफ, ये टर्म है, एक काम करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो मैं बताना भूल गया, शायद मेरे मुंह से वही निकल रहा है, अब मैंने वो भी बोलना छोड़ दिया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कुछ भी नहीं बोल रहा अब मैं, इससे छोटा नहीं है डी बाई डी एक्स, कितना फ्लो में बोला जा रहा है डी बाई डी एक्स, अब समझ लो कि हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक्चुअल मतलब वही है उसके, बोलेगा कौन इतनी देर, इतने न्यूमेरिकल समझाना है कि मैं ऐसा बोली जाऊंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर 9 विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 9 × x^8 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रिस्पेक्ट टू एक्स dx by dx, शॉर्टकट से, तो इसमें x की पावर पावर क्या है, 1/2, अंडर रूट का मतलब हाफ, तो पावर रूल लगाएं, पावर रूल कहते हैं हाफ नीचे x की जितनी भी पावर है उसमें से 1 माइनस, ऐसे करेंगे इन टू हाफ पे अगर हाथ रखा जाए तो क्या बनेगा, dx by dx ऐसे, जो कि क्या होता है 1, तो हाफ x^-, यहां तक छोड़ दे चलेगा। ठीक, बहुत है, आप कहोगे बहुत क्यों है, हमें तो कहा सिंप्लीफाई करो, क्योंकि हम कैलकुलस अभी 10-12 दिन करेंगे,
और इसमें से एक भी नंबर का कुछ नहीं आएगा। आप सोचेंगे मैं टॉप करूंगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि कैलकुलस के बिना तो फिजिक्स तो पेपर में क्यों डलेगा, वो फिजिक्स मैथ्स का पार्ट है, तो आपको पूरी फिजिक्स ही नहीं आएगी। अगर कोई स्टूडेंट ये कह दे कि मेरे को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आती और मुझे वेक्टर भी नहीं आते, तो मेरे ख्याल से अगला क्वेश्चन मैं पूछूंगा ही नहीं कि तेरे को मैकेनिक्स आती है, तेरे को ये मैं समझ जाऊंगा, तेरे को कुछ नहीं आता। तो मतलब कुछ ना आने का मतलब कुछ भी ना आना, क्योंकि जिसको ये नहीं आता उसको कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि पूरी फिजिक्स में हर रोज कैलकुलस यूज होना है। तो कैलकुलस क्यों डालेगा कोई टीचर, फिजिक्स ही डालेगा ना, वो तो वेलोसिटीज डालेगा, पर क्योंकि वेलोसिटीज की प्रॉब्लम कैलकुलस बेस्ड है तो हम अपनी वेलोसिटीज बीच में सॉल्व कर जाएंगे, तो आपका जो एक मोशन का चैप्टर आएगा वो फटाफट बहुत क्विक सॉल्व होगा। हम नॉर्मली लोग क्या करते हैं, दो दिन कैलकुलस करवाते हैं या तीन दिन मैक्सिमम, और फिर मोशन में टाइम लगाते हैं। मैं यहाँ पर चार लेक्चर लगाऊंगा, मोशन के तो अपने आप कट जाएंगे क्योंकि आधा मोशन में इसी में फिट कर दूंगा, तो आपकी जो मोशन की शीट्स हैं वो अभी आनी स्टार्ट हो जाएंगी और मोशन चैप्टर थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक, तो इंटीग्रेट करके करवाऊंगा दोनों चीज़ें। तो नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर, क्या करेंगे, माइनस टू है ना, ऊपर लेके जाएंगे माइनस टू, पावर रूल माइनस टू एक्स रेज टू पावर माइनस टू माइनस वन यानी कि माइनस थ्री, माइनस टू पे हाथ रखें तो क्या बचेगा, डी एक्स बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू वन। मैं लिख नहीं रहा हूं, मन में कैलकुलेट करके मान हो गया, डन हो गया। ठीक, तो आंसर आएगा माइनस टू एक्स रेज टू पावर माइनस थ्री, डन आंसर। क्या स्टेप क्लियर है, ठीक है, ठीक है। बहुत लोग जब एडमिशन के लिए आए तो मैंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा, मैथ कैसा है, तो लोग बोले नहीं 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 साइंस तो ठीक है। मैंने कहा मैं तो साइंस पूछ ही नहीं क्योंकि मुझे साइंस चाहिए ही नहीं, साइंस तो मैं सिखा दूंगा, डीवी बाई डीटी चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पर ये इसके बिना कैसे समझाऊंगा क्योंकि लैंग्वेज तो ये यूज होनी है, इसलिए बेसिक एलजेब्रा तो आना ही चाहिए बेसिक। मतलब अगर आपको ये पावर भी समझ में नहीं आती फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, अगर ये छोटी छोटी बातें समझ में आ रही हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसी चलेगी फिजिक्स, ठीक, इसे ऊपर नहीं चलेगी, नॉर्मल हमारी लैंग्वेज है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट से पहले नेक्स्ट फॉर्मूला ही लिखते हैं, फॉर्मूला इन द सेंस कि नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, डी बाई डी एक्स ऑफ आप लिखें 5 इंटू एक्स की पावर 4, ये एग्जाम्पल है। अब देखो इसमें कॉन्स्टेंट भी है और इसमें x भी है, अगर ये ना होता तो d बाई डी एक्स ऑफ 5 क्या होता, 0, बात खत्म थी, और अगर 5 ना होता तो 4 इंटू एक्स की पावर 3 हो जाता, सही है, पर दोनों है, कॉन्स्टेंट भी है वेरिएबल भी है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो रूल है कॉन्स्टेंट्स बाहर कॉमन निकल सकते हैं, 5 इंटू है ना मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर निकाल लो चाहिए ही नहीं, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बचा, एक्स की पावर 4, ठीक है। तो अब 5 इंटू ये तो आपको आता है, बोलो क्या बनेगा, 4 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स इज 1, आंसर इज 20 इंटू एक्स की पावर 3 इज आंसर, लिख लो, कुछ नहीं करना, अगर कॉन्स्टेंट वेरिएबल दोनों चीजें हैं, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो सिंपल, तो वेरिएबल की क्या कर दोगे, डिफ्रेंसिएशन, एक्स को नहीं निकाल सकते क्योंकि एक्स की ही डिफरेंशिएशन है, ये वाली फैमिली एक है ना, तो इसको नहीं निकाल, इसको तो फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा, पावर रूल लगाना पड़ेगा, और एक्स से एक्स नहीं काटना, मैं बार बार कह रहा हूँ एक्स और एक्स नहीं काटना, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे 7 बाई एक्स स्क्वायर कर सकते हो, करना, 7 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लो, तो क्या बचा, d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर, लिखो करो, तो 7 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर माइनस टू लिख लूँ, है ना, इसको ऐसे लिखते हैं पहले, 7 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर माइनस टू, ऐसे लिख लेंगे, 7 इंटू माइनस टू एक्स की पावर माइनस थ्री, है ना, माइनस टू माइनस वन इज माइनस थ्री, तो क्या आएगा, माइनस 14 एक्स रेज टू पावर माइनस थ्री इज आंसर, ये रहा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है, तो आंसर, तो 7 जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं वो बाहर निकलेंगे निकलेंगे, ठीक है। चलिए आगे, तो जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल
डी बाई डी एक्स ऑफ 5 बाई एक्स क्यूब, इसका आंसर चेक करें क्या होगा, ट्राई करें, 5 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर निकालें, माइनस 2 4 माइनस 4, हाँ तो 5 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस 3 ऊपर चला गया, तो 5 इंटू माइनस 3 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस 4, तो माइनस 15 एक्स रेज टू पावर माइनस 4, ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट जो टेक्निक है उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पता हो, मतलब नेक्स्ट एग्जांपल है डी बाई डी एक्स ऑफ जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसकी डिफरेंशिएशन है, अब इसमें ये एक टर्म है और इसको इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है हमने, तो अगर बीच में प्लस है तो आप डी बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों से, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अलाउड है, तो अब ये दो क्वेश्चन बन गए डिफरेंशिएशन के, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड अलाउड है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2x की पावर 1 प्लस 3x की पावर 2 आंसर, नोट कर लें, अलाउड है, मतलब डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ अगर मान लो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म या 2x स्क्वायर कर लो, चलो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह 2x स्क्वायर कर लो, ये लो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x ऐसे, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, अभी दो क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन के, पहले में क्या करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर ऊपर जाके क्या होगी, माइनस 1, ये स्टेप क्लियर है, आराम से धीरे धीरे स्टेप्स करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म, और फिर इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्लियर है, ये पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, 2 इंटू इसकी पावर क्या है, 2x की पावर 1, इसके अंदर माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 2, माइनस 1 इज माइनस 2, सही, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4x और प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 2 इज द आंसर, ऐसे छोड़ दें चलेगा, मीन्स अगर बीच में प्लस या माइनस हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है, कोई डाउट इसमें प्रणव, ठीक, तो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, ठीक है, तो मैथ में इसको ऐसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला है, पर फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है यार, इसमें कुछ है ही नहीं फॉर्मूले में, डी बाई मल्टीप्लाई करो तो हो गया फॉर्मूला, पर आपकी बुक्स ऐसे करती हैं, मैं बता देता हूँ, बुक्स ये लिखती हैं फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी, मतलब दो टर्म्स यू और वी कुछ भी हो सकती हैं, इज ऑलवेज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी ऐसे, और अगर ये माइनस होता तो ये भी माइनस, फॉर्मूला याद करने की जरूरत क्या है, हमने तो वैसे कर तो लिया कि अगर प्लस या माइनस है तो बस मल्टीप्लाई कर दो, ओपन कर दो, बात खत्म हो जाएगी, कोई डाउट इसमें, क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, सही है, तो फॉर्मूला मेरे को लगता नहीं है फायदा है कुछ करने का, तो जितना हमने काम किया उस पर अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं,
ताकि हमारा हाथ बैठ जाए, समझ तो आ गया लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो लिखो फिर एग्जांपल्स इसके, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 4x² माइनस 1x प्लस 4, डी बाई डी एक्स ऑफ 5√x माइनस 1/3 प्लस 4x। माइनस टू का टू कैसे हो गया, पावर माइनस टू है। जीरो ये पहला, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल नोट कर लें साथ साथ, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ थर्ड टर्म। मेरे ख्याल से फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर हो गया। फिर इसमें फोर कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ x² माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x^-1 ऊपर ले आओ, इसको तो छोड़ ही दो क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज जीरो। ठीक है यहाँ तक क्लियर है? इसकी डिफरेंशिएशन 4 × कितनी, 2 × x^1 dx/dx इज 1 -1 x^-2 -1 इज -2, तो क्या आएगा 8x प्लस x^-2 इज द आंसर। आंसर ठीक है, कोई डाउट इसमें? देख लो स्टेप्स क्लियर हैं, ठीक, कोई टेंशन ना लें। नहीं समझ में आएगा तो भी कोई बात नहीं, दिन में आ जाए। और ऐसा कैसे पता लगेगा मुझे समझ में आएगा नहीं आएगा, मैं आपको ना शीट्स दूंगा, कुछ आज तो नहीं दूंगा, आज तो इतना नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट टाइम आपको शीट्स मिलेंगी। वो ना फिर आप जब क्लास में आएंगे तो आप पहले ना लूज शीट मुझे सबमिट करेंगे बाहर, तो बाहर ना उसकी चेकिंग हो जाएगी, एक बार ना नज़र मारेंगे कोई स्टेप्स तो नहीं गलत ले रहा, क्योंकि ये चीज़ चेक करनी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। अगर आपने यहाँ पे स्किप कर दिए स्टेप्स और गलतियाँ होनी स्टार्ट हो गई तो मुझे पता है 1.5-2 साल ना परेशान आप भी रहोगे, मेरे को भी करते रहोगे। और अगर मैंने ये ठीक कर दिया तो मतलब मेरा 30% काम तो हो गया, तो बस समझो फिर कुछ नहीं करना, सिर्फ फिजिक्स सिखानी है, बाकी आपको हम कर लेंगे क्योंकि उसके बाद मैथ्स की कैलकुलस सब कर ही लोगे। तो ऐसे दो पार्ट जोड़ने हैं हमने, तो एक पार्ट एकदम सही बैठना चाहिए, ठीक है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आप मुझे होमवर्क सबमिट करोगे और फिर वहाँ से आपका एक एक स्टेप चेक कर लिया जाएगा ताकि इनिशियल स्टेज पर ही पकड़ लें। कोई इसलिए नहीं कि आपको पकड़ना है, इसलिए कि कहीं कोई चीज़ आपसे छूट ना जाए, ये बहुत ज़रूरी है चीज़। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ, इसे ओपन करेंगे, फर्स्ट टर्म माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1/3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x, ठीक है? नेक्स्ट 5 कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ x^2 कितना 1/2, इसको तो छोड़ ही दो, कॉन्स्टेंट है छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, नहीं 4 × क्या आएगा dx/dx, क्योंकि 4 और x वेरिएबल है, तो 5 × 1/2
एक्स रेज टू पावर हाफ माइनस वन और प्लस फोर इंटू ये टर्म क्या है वन, तो आंसर आ गया, इसको माइनस हाफ लिख लेना, डन। तो क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? सिंप्लीफिकेशन का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि आपसे कोई पूछ तो रहा नहीं है कि आंसर क्या आया, मेरे को सिर्फ स्टेप्स देखने हैं कि आपको ये लगाना आ रहा है तो इतना ही देखना है, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे आएंगे। चलो मैं आपको सैंपल देता हूँ एक क्वेश्चन का भी, आपको दिखाई दूँ कि फिजिक्स चलेगी कैसे। जो हमने छोड़ी थी ना वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसी को शुरू करते हैं, ठीक है। अब यूज़ करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में दो चीज़ें कैसे मिलेंगी, ये देखो। तो करें स्टार्ट, क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन फिजिक्स में ऐसे आएंगे। अब देखो, अ बॉडी इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस सच दैट इट्स कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स या वैल्यू ऑफ एक्स इज चेंजिंग विद टाइम, कैसे? टी स्क्वायर प्लस टी, ये क्वेश्चन है कि तुम स्टॉप वॉच ले लो, स्टॉप वॉच में जब तुम्हारी घड़ी में टाइम जीरो था ना, तो एक्स कितना था? टी जीरो पुट करो, जीरो। टाइम जब वन सेकेंड हो गया तो आपकी गाड़ी कितने एक्स की वैल्यू पर खड़ी हुई थी? वन प्लस वन, टू मीटर पर खड़ी हुई थी। आप टाइम टू पुट करो, आंसर चेंज है, थ्री पुट करो, फोर, तो टाइम के साथ एक्स क्या हो रहा है? चेंज। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन आएगा फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एग्जैक्ट वेलोसिटी बताओ कब, एट टाइम वन सेकेंड। ये क्वेश्चन है, एक सेकेंड पे उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी क्या थी ये बोलो। अब कई लोग क्या करेंगे, टाइम को, अच्छा वन सेकेंड है, वन पुट करो तो जी एक्स टू मीटर आ गया ना, मत करना। पहले ये सोचो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डी एक्स बाय, सही है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ एक्स, एक्स इज अ वेरिएबल और एक्स कैसे चेंज हो रहा है, टी स्क्वायर प्लस टी, तो यहां वैल्यू पुट करो इसकी जगह टी स्क्वायर प्लस, कोई डाउट इसमें? तो एक्स की वैल्यू पुट कर ली टाइम के साथ, इसको डिफ्रेंशिएट करो, अब कैसे, डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डी बाई डी टी ऑफ सेकेंड टर्म, तो आंसर क्या आएगा, टू टी प्लस, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, टू टी प्लस, सही है। आपको पूछा गया टाइम टी इज इक्वल टू वन सेकेंड पे वेलोसिटी बोलें, तो वन पुट करें इसमें, टू इंटू वन, टू प्लस वन, थ्री मीटर पर सेकेंड इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। और अगर गाड़ी ऐसी चलती जाए और तुम पूछो कि सर 60 सेकेंड के बाद या 60 दिनों के बाद वेलोसिटी क्या होगी, मैं ये भी बताऊंगा 60 दिनों में वेलोसिटी क्या है, टाइम को 60 डेज इनटू सेकेंड कन्वर्ट करके आंसर, है कि नहीं कमाल की चीज़। ये है कैलकुलस का काम, आपको एक्स देगा, फॉर्मूला देगा, वेरिएबल्स, सब वेरिएबल्स, ठीक। अब वो नहीं देगा एक्स बाई टी जी ना, एक्स की वैल्यू देगा इन टर्म्स ऑफ टाइम, आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछेगा, तो पहले आप इसमें कैलकुलस लगाएंगे, एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे और एंड में टाइम की वैल्यू पुट करके मुझे बताएंगे कि वेलोसिटी क्या है, नोट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? बुक्स एनसीईआरटी कई लोग लेते हैं, ले ली बड़ी अच्छी बात है, नहीं ली मत लेना, अभी किसी काम की नहीं रहेगी वो, क्योंकि जैसे मैं फिजिक्स करवा रहा हूँ उसमें एक चीज़ दिखा रहा हूँ मैथ, तो अगले इंस्टेंट पे उसमें शिफ्ट कर रहा हूँ फिजिक्स, मैथ फिजिक्स, मैथ फिजिक्स। ज़्यादातर टीचर्स और बुक्स ओनली मैथ 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 मैथ, फिर 15 दिन बाद बताते हैं कि फिजिक्स में कैसे यूज़ करना है, मैं ऐसे नहीं करने वाला, साथ 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 फिजिक्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक। तो आपको बुक में ऐसा मिलेगा नहीं, तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो आपको ईजी इंटीग्रेट करना ईजी होगा, फिजिक्स समझनी पिक करनी ईजी हो जाती है इससे, ठीक। तो है ना कमाल की चीज़ कि कैसे 10th थी, कैसे 9th थी और कैसे दुनिया चेंज हो गई एक सेकंड में, अभी घंटा डेढ़ घंटा हुआ है, अभी तो 2 साल है, 2 साल में तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अभी तो पहले लेक्चर के अंदर ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, बहुत कुछ चेंज होगा, समझ में आ रहा है यहाँ तक। बट बहुत ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कईयों को ऐसा लगता है वो कॉम्पिटिशन है, वो मेन्स है, वो आई आई टी है, वो सी बी एस ई है, ब्रांडिंग वही न्यूटन का लॉ, मतलब कोई न्यूटन ने तो नहीं ये सोच के बनाया था, क्या आईआईटी का न्यूटन का लॉ है कि एनसीईआरटी का न्यूटन का लॉ है, या न्यूटन का लॉ था, न्यूटन का लॉ ही है, और कैलकुलस बनाने वाले ने भी सोच के नहीं बनाया था कि यार बच्चे इसको ऐसे करेंगे, सब बेकार की बातें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। जिसका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है वो तो किसी भी एग्जामिनेशन में बैठ जाएगा ना, वो उड़ा ही देगा। देखो जिसको चीज़ें समझ में आ रही हैं,
अब तुम्हें क्या पता मैंने क्या करवाया है, एनसीईआरटी की बताओ मेंस है कि कंपटीशन, बोलो कौन सा कंपटीशन है, तो कुछ नहीं पता लगेगा। कई लोग पूछते थे ना सर वो एनसीईआरटी वो मेंस होता है एनसीईआरटी, मुझे बताओ कैसे इसको मैं अलग करके बताऊं, कैसे अलग कर दूंगा, नहीं कर पाऊंगा। फिजिक्स एक ऐसा, देखो हो सकता है बाकी सब्जेक्ट में हो भी जाता है, मैथ्स में लेवल्स चेंज होते हैं, बड़ा क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन फिजिक्स में भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेटर स्टेज पे होते हैं। फिलहाल बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पहले 3 महीने का प्राइमरी काम है, अगर बेस कमज़ोर रह गया ना वो कुछ ना क्लियर होएगा, मैं बता रहा हूँ। और अगर बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है ना तो कितने भी लेवल को इंक्रीज़ कर दोगे आपको उल्टा बोझ नहीं लगेगा, आपको तो मज़ा आएगा, आपको कि कमाल हो गई यार मज़ा आ गया और क्वेश्चन दो, तो फ़र्क है। आपके बेस चीज़ें क्लियर दिख रही हैं, आपका लेवल वैसे ही इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, बस यही गेम है और कुछ गेम नहीं है। तो आप बस मज़े करो, मैं हमेशा बोलता हूँ आप बस इन्जॉय करो, क्या बात है मज़ा आ गया, क्या गाड़ी चलानी सिखा ली, बस इतना ही होना चाहिए। नंबर जो आने हैं वो आने हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 नंबर कम 2 नंबर ज़्यादा में कोई फ़र्क नहीं ज़िंदगी में, आपको ये भी बता दूँ ठीक। पर आपको लॉ और ये चीज़ सही समझ में आनी चाहिए, बस समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या करना है इसमें, ये चीज़ क्लियर है। जैसे अगर आप मेरा ये आंसर दे दें तो मैं समझ जाऊँगा कि मैं आज मेरा लेक्चर एकदम सही हो गया। बहुत सिंपल चीज़ पूछूंगा, बिल्कुल घुमा के नहीं, बिल्कुल सीधी चीज़ ठीक है। पर अगर नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है हो भी जाए हो सकता ना भी हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बॉडी मूव कर रही है विद एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है मैंने फॉर्मूला चेंज कर दिया, टी स्क्वायर प्लस टी नहीं रखा टी स्क्वायर रख दिया ठीक। मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, अगर ये 2 क्वेश्चन बता दिए तो समझो आपका मोशन का चैप्टर ना उसकी स्टार्टिंग बहुत सही होने वाली है, क्योंकि यही कुछ करता है, 2-3 लेक्चर तो इसी में आपके निकल जाएंगे। फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, बस सिंपल क्वेश्चन है, 2 चीजें निकालनी है। अपना फोन नंबर सबने दे दिया है, उस पर लिख दिया ना पेज पे, और जो ऑनलाइन है वो भी सुन लें। आपको अपना नाम मुझे अभी सेंड करना है, जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है कि प्लीज़ ऐड मी इन व्हाट्सएप ग्रुप, तो अभी व्हाट्सएप ग्रुप रात को बन जाएगा या कल तक बन जाएगा, तो जिन्होंने गूगल फॉर्म भरा है उन्हीं का बनेगा, जो नहीं बना उनका बन नहीं पाएगा। तो ऐसे ही जो ऑनलाइन है वो प्लीज़ वैसे फॉर्म मंगवा लें व्हाट्सएप करके, प्लीज़ सेंड मी गूगल, वो फॉर्म फिल कर देना तो एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सबके नंबर ऐड हो जाएंगे ठीक। तो वो मैंडेटरी है, वो ज़रूरी है, और सारे फ़ोन नंबर आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए ठीक। आ गया होगा अभी आपको वहाँ से व्हाट्सएप हो रहे हैं, थोड़ी देर में मिल जाएगा आपको ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो फर्स्ट में कौन सी वेलोसिटी है, फॉर्मूला क्या है, डी एक्स बाई डी टी। अब एक्स की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर, इसकी डिफ्रेंसिएशन कितनी है, 2t, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला 2t, लेकिन हमें कब पूछा, एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो आंसर क्या आएगा, 2 × 1 2 मीटर पर सेकेंड। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, ठीक है। सेकेंड का आंसर क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड, बोलो सेकेंड का आंसर। बेसिक्स नहीं छोड़ने, आज के लेक्चर को रिवाइज करो, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था बोलो, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स का मतलब x2 - x1 / t2 - वैल्यूज पुट करनी है, डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं करनी, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे किया तो इसको ऐसे करना है कि जिसमें सेकेंड पॉइंट में यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, तो पहले फॉर्मूला लिखें डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, डेल्टा एक्स क्या है, x2 - x1 t2 - ठीक है। तो x2 x1 क्या है, टाइम, पहला टाइम क्या है 1 सेकेंड, दूसरा टाइम क्या है 2 सेकेंड,
वन सेकेंड पे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स का फॉर्मूला क्या था अभी, टी स्क्वायर था ना, टी स्क्वायर था ना। तो जब टाइम वन सेकेंड है तो एक्स वन कितना है, वन। जब टाइम टू सेकेंड है तो कितना है, फोर। क्या स्टेप क्लियर है, एक्स वन इज इक्वल टू वन, एक्स टू इज इक्वल टू फोर, कोई डाउट इसमें? ठीक, वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज में एक्स टू की जगह फोर, एक्स वन की जगह वन, टी टू की जगह टू वन, तो आंसर क्या आ गया, 3 meters per second। इंपॉर्टेंट, एवरेज वेलोसिटीज में कैलकुलस डिफरेंशिएशन यूज नहीं करनी, बड़ा बड़ा लिखना, लिख लो, एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंशिएशन यूज नहीं करनी, इंस्टेंटेनियस में हमेशा डिफरेंशिएशन यूज करनी है, बस ये मेन पॉइंट है, वो घुमाता रहेगा, कभी एवरेज कभी इंस्टेंट, कभी एवरेज कभी इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस कैलकुलस से ही सॉल्व होगा, एवरेज में तो चाहिए ही नहीं, एवरेज तो बहुत सिंपल है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, आप दो अलग अलग टाइम पे एक्स की वैल्यूज निकाल लें, वैल्यू पुट करें, आंसर आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें, डिफरेंस समझ में आ रहा है, आज का लेक्चर बहुत क्लियर है, एवरेज में डेल्टा एक्स पे डेल्टा टी में डिफरेंशिएशन नहीं चाहिए और इंस्टेंटेनियस पे कैलकुलस चाहिए, समझ में आ रहा है, कैलकुलस से स्टार्टिंग क्यों की हुई है हमने, कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x² - √x + 1/√x, करें ओपन, तो फर्स्ट स्टेप क्लियर है, नेक्स्ट में 5 कांस्टेंट है, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू हाफ है प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ है, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है 5 × 2 × x^1 इसमें माइनस हाफ इंटू एक्स की वैल्यू माइनस हाफ, हाफ माइनस वन इज माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ, माइनस वन की जगह माइनस 3/2, यहाँ तक छोड़ दो, डन है। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे इन रूल्स को यूज करना है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, ठीक है, राइट। एक काम करना, मैं कुछ क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, आपने नेक्स्ट टाइम एक बार जब आएंगे तो एक बार जरा कॉपी में करके आना। आज असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ क्योंकि असाइनमेंट में 4 फॉर्मूलाज का कॉम्बिनेशन है, अभी सिर्फ एक दो ही हुए हैं, तो अगले लेक्चर में हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, पहले u/v, u/v ऐसे कुछ फॉर्मूलाज हैं, अच्छी खासी प्रैक्टिस है पूरे लेक्चर में, और भी फॉर्मूलाज हैं, फिर वो इकट्ठी शीट्स आएंगी तो वो शीट का पूरा सीक्वेंस बनेगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपने बस अपने कॉपी में मुझे नेक्स्ट टाइम करके दिखाने, ताकि मैं स्टेप्स चेक कर सकूँ कि आप लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे, नहीं लगा पा रहे एटलीस्ट क्लास से 15 मिनट पहले आके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है? तो नोट कर लें, d/dx(√x + 5x^1/3)
वन बाय सेवन प्लस ई प्लस सेवन बाय एक्स स्क्वायर डी बाय डी एक्स ऑफ सेवन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव रूट एक्स प्लस थ्री डी बाय डी एक्स ऑफ वन बाय क्यूब रूट ऑफ एक्स, ये क्यूब रूट ऑफ एक्स है, डी बाय डी एक्स ऑफ वन बाय एक्स रेज टू पावर फोर, फोर बाय एक्स की पावर थ्री माइनस फाइव बाय एक्स की पावर सेवन। तो ये बेसिक चार पांच क्वेश्चन हैं आज के लेक्चर के बेस पे। बहुत ज़्यादा लेक्चर तो नहीं हो पाएगा अभी, बट ये कि अगली बार ये चैप्टर काफ़ी, क्योंकि बहुत फॉर्मूलाज इकट्ठे हो जाएंगे, तो अगली बार से कम 20-25 क्वेश्चन का होमवर्क मिलना स्टार्ट होगा, जो एटलीस्ट आप थोड़ा थोड़ा करके एटलीस्ट स्टेप मुझे चेक करवा सके। यहाँ तक सबको क्लियर है कि हमने आज के लेक्चर में यही सीखा मैथ्स और फिजिक्स इकट्ठे कैसे चलने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में और इसको इकट्ठा चलाएंगे। यहाँ तक क्लियर है?